हेलो स्टूडेंट्स, विनय मिश्रा दिस साइड, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। तो आज उस सीरीज का थर्ड पार्ट है, यानी कि मैं जितने भी न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ केमिस्ट्री से ना, उसको एकदम एक एक लाइन लिख लो, कॉपी पे करते जाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलता एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, बट इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। और आप लोगों से पढ़ाने से पहले एक मिनट का टाइम लूंगा, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, क्योंकि देखो यार, कोई भी काम आदमी कर रहा है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट नहीं होगा तो थोड़ा मोरल डाउन होता है कि यार देखो इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, कंसेप्ट बना रहे हैं, सारी चीज़ें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी बच्चे इतना व्यू नहीं दे पा रहे हैं, यानी बच्चे इसको अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, यानी सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को जल्द जल्द शेयर करो, देखो और लोगों को भी दिखाओ कितना अच्छा वीडियो है, कितना अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में घंटों घंटों लग जाते हैं, पहले बनाओ, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, उसको टाइटल दो, टैग दो, डिस्क्रिप्शन दो, थंबनेल लगाओ, बहुत सारी दिक्कतें हैं यार एक वीडियो अपलोड करने में। आप लोग सोचते हो बस यार ऐसी वीडियो मिल गई, तो थोड़ा सा अहमियत को समझो और वीडियो को शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं शेयर करने के लिए, लेकिन आज मेरा लग रहा है कि मोरल डाउन हो चुका है कि वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, कितना परेशानी हो जाती है एक वीडियो बनाने में, फिर भी आप लोग इसको प्यार नहीं दे रहे हो। तो वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना अच्छा कंसेप्ट, इतना अच्छा न्यूमेरिकल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। कोई सा चैनल बता जो आपको पर डे आपको केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करवा दे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कोई सा चैनल बता दो। नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सब लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस ले रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चों का कैरियर का सवाल है। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, समझो प्रॉब्लम को हमारी, ठीक है। और आपको कहीं से कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में आती है तो डायरेक्ट मैसेज करो, डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सअप करो। सर ये चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट में करो सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है हमें, आप क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं क्या चीज़ें सर कमी है, क्या चीज़ें सारी चीज़ आप कर सकते हैं। चलो बहुत स्पीच हुआ, आप स्टार्ट करते हैं। बस इसी को ध्यान रखो, ये क्वेश्चन है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव बताऊँगा, यानी कि थोड़ा डिस्क्राइब करके बताऊँगा, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिना ये टेबल बनाए भी आप कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे दिया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली एक स्टेप आगे कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा, जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 22.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलार मास इज 98.96 ग्राम, वट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग टेबल को भरते हैं। एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सिंबल सी हाइड्रोजन का एच, क्लोरीन का सीएल। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कितना कितना दिया हुआ है, 4.07 हाइड्रोजन, यानी कि 4.07 क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। कार्बन कितना दिया हुआ है, 24.27 कार्बन दिया हुआ है। एंड क्लोरीन कितना दिया हुआ बेटा, मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ और लास्ट में बताऊंगा कैसे इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार ये समझ लोगे ना तो आराम से लो कर सकते हो। और जिस बच्चों को लग रहा है क्वेश्चन मुझे आता है तो वीडियो को भी तुरंत पॉज करो और करके देखो, फिर वीडियो वॉच करना बाद में, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ये तो आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कितने कितने होते हैं, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का जनरल आइसोटोप 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, क्लियर। मोल्स ऑफ एलिमेंट, इसका पिछले वीडियो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकल जाएगा, गिवन मास कितना दिया, 22.27 यानी 22.27 अपॉन 12 मोलार मास, यानी एटॉमिक मास कितना है 12। हाइड्रोजन कैसे निकाल लेंगे, 4.07 अपॉन 1, ऐसे ही इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, इतना अपॉन यानी कि 5 अपॉन 35.5।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। ये कितना आ जाएगा, 2.02 करीब आ जाएगा, ये 4.07 ही रहेगा डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा, 35 × 70, ठीक है, यानी कि ये भी लगभग 2.02 के करीब ही आ जाएगा, अप्रॉक्स 2.02 क्लियर हुआ। आप सिंपलेस्ट रेशियो इसका निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, यानी इन तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे कम वाले से डिवाइड कर दो, ये भी कर सकते हो, यानी कि रेशियो 1 हो जाएगा, 2:1 कैसे हो जाएगा, यानी कि 2.02 / 2.02 फिर क्या, 4.07 / 2.02 और 2.02 / 2.02 सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं आप, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये डिवाइड कर 2 × 4 लगभग 2, ये 1, ठीक। अब इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, हैंस इंपीरिकल फार्मूला इज कार्बन का 1, एच का 2, CH2 और Cl का कितना, 1, CH2Cl। इंपीरिकल फार्मूला क्या निकल के आ गया बेटा, CH2Cl। इंपीरिकल फार्मूला क्या निकल के आ गया, CH2Cl। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, आराम से इंपीरिकल फार्मूला कोई भी एलिमेंट का दे, कोई भी एलिमेंट दे, परसेंटेज आप क्या करते हैं उसका इंपीरिकल फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। ये मैंने पूरा बेसिक बता दिया, ये क्या बेटा पूरा बेसिक इंपीरिकल फार्मूला निकालने का। आप लोग बिल्कुल भी घबराओ मत कि सर समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना है आपको, शॉर्ट में करना है, आपको शॉर्ट में करना है, इतना भूल जाना है, इतना क्या करना है, इतना भूल जाना है। डायरेक्टली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना मास दिया हुआ है और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, वो निकल के आ जाएगा, फिर उसका सिंपल रेशियो निकाल दो। यानी कि सिर्फ ये वाला 2 स्टेप में आप कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं, बस मैंने समझाने के लिए आपको कर दिया कि आप कोई भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आराम से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो कैसे लिए कमेंट जरूर करना यार, आपके कमेंट की बहुत जरूरत है, आपके फीडबैक की बहुत जरूरत है आज के टाइम में, तो अपना फीडबैक जरूर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, रियल कॉन्सेप्ट, फील द कॉन्सेप्ट।